Hey everyone, welcome or welcome back to my channel guys, Anushka Anu. So guys, कैसे हैं आप सब? I hope आप अच्छे होंगे. तो आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ ये समर मेकअप लुक, जो कि SGN स्वेट प्रूफ मेकअप लुक है. एंड आई होप आपको ये मेकअप काफ़ी पसंद आएगा. एंड ये मेकअप मैंने जॉनसन्स बेबी पाउडर का यूज़ करके किया है. सो गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेक श्योर कर लें कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट जो भी वीडियो लाऊं उसके लिए आप अपडेट हो जाए. सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो गाइज, सबसे पहले मैं स्किन केयर करूँगी. एंड स्किन केयर के लिए मैंने गुड वाइब्स का रोज़ वाटर लिया है. एंड ये काफ़ी अच्छा रोज़ वाटर है, तो इसे मैं अपने फेस पर स्प्रेड करके पैट कर लूँगी. नेक्स्ट मैंने मॉइस्चराइज़र के लिए निविया का क्रीम लिया है. एंड ये क्रीम भी काफ़ी अच्छा है, आप इसे लगा सकते हैं. एंड ये नॉर्मल जो ऑयली स्किन के लिए है, तो आप इसे अच्छे से यूज़ भी कर सकते हैं. सो इसे मैं अप्लाई कर लूँगी अपने फेस पे. फेस के साथ साथ लिप को भी मॉइस्चराइज़ करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने लेविया का लिप बाम लिया है. एंड इसे मैं अपने लिप को मॉइस्चराइज़ कर लूँगी. नेक्स्ट अपने आईब्रोज़ को फिल करूँगी. एंड फिल करने से पहले मैंने स्पूली से इसे कॉम्ब कर लिया है. इसके बाद मैंने मास्क का पैलेट लिया है, शेडो पैलेट. एंड इसमें से मैंने मैट ब्लैक शेड लिया है. एंड एक ब्रश की हेल्प से अपने आईब्रोज़ को फिल कर लूँगी. आईब्रोज़ को अच्छे से फिल करने के बाद फिर से मैं स्पूली की हेल्प से इसे कॉम्ब कर लूँगी. नेक्स्ट स्टेप इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड ये है सनस्क्रीन लगाने का. एंड जो मैं सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ वो है लोटस का, PA++++ SPF 50 भी है इसमें. एंड UVA एंड UVB से प्रोटेक्ट करता है. एंड ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए काफ़ी अच्छा सनस्क्रीन है. एंड ये आपको एक मैट लुक प्रोवाइड करता है एंड ऑयल कंट्रोल भी है. सो गाइज, आप जब भी बाहर जाए तो सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल ना भूलें, इससे आपके चेहरे पे जो भी रे होता है सन का उससे प्रोटेक्ट करता है. सो इसके बाद मैंने लिया है NYB का प्राइमर. एंड इसे मैं टिंजी मिंजी अमाउंट पे अपने जहाँ पे ओपन पोर्स है वहाँ पे अप्लाई कर लूँगी. एंड इसे अप्लाई इसलिए करती हूँ ताकि मेरा मेकअप काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हो एंड फ्लॉलेस भी दिखे. तो इसे मैं अपने फेस पर अच्छे से स्प्रेड करके मिला लूँगी. ये प्राइमर मेरा बहुत फेवरेट प्राइमर है. एंड गाइस, ये आपको अफोर्डेबल प्राइस रेंज में भी अवेलेबल हो जाएगा पर्पल से. एंड ये गाइस बहुत ज़्यादा लाइट वेट फार्मूला है इसका. नेक्स्ट मैंने फाउंडेशन के लिए मेबलिन का फिट मी मैट पोरलेस फाउंडेशन लिया है. एंड मेरा शेड है 230 नेचुरल बर्फ. एंड ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है. सो इसे मैं डॉट करके अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी. देन एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लूँगी अपने फेस पर. एंड गाइस, इसकी कवरेज जो है वो लो टू मीडियम कवरेज है. एंड मैंने एक ही बार अपने फेस पर अप्लाई किया है. अगर आप हाई कवरेज चाहते हैं तो आप इसे ट्वाइस अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पर. एंड ब्लेंड करना तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है. आप जितने अच्छे से ब्लेंड करोगे उतना ही आपका मेकअप फ्लॉलेस लगेगा. तो मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी फेस पर. नेक्स्ट कंसीलर के लिए मैंने ओलिविया का मेकअप स्टिक लिया है, जो कि इंस्टेंट वाटरप्रूफ कंसीलर है. एंड मेरा शेड है 05 टच एंड ग्लो. एंड ये काफ़ी अच्छा एंड अफोर्डेबल कंसीलर है, आपको फ्लिपकार्ट, अमेजन या नाइका पे भी अवेलेबल हो जाएगा. तो आप एक बार इसे ट्राई कर ज़रूर देखना. सो इसे मैं अपने डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए, आईब्रोज़ के अराउंड से थोड़ा शार्प दिखाने के लिए एंड फेस पर जहाँ पे मुझे हाइलाइटिंग इफेक्ट चाहिए वहाँ पे मैं इसे अप्लाई करूँगी. देन फिर से मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी. एंड ये इजीली ब्लेंड हो जाता है फेस पर. एंड गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल गाइस. आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है मुझे.
एंड वीडियो को लाइक करना, अगर एंड तक देखोगे तभी, एंड आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करना। नेक्स्ट मैंने अपने फेस को थोड़ा बेक करने के लिए जॉनसन्स का लूज पाउडर लिया है जो कि बीबी पाउडर है, एंड इसे अपने अंडर आइज़ पे जहाँ पे मैंने कंसीलर अप्लाई किया था वहाँ पर मैं इसे अप्लाई कर लूँगी। एंड इसका फ्रेग्रेंस भी काफ़ी माइल्ड है एंड ये आपको कहीं पे भी ईजिली मिल जाएगा, तो इसे मैं बेक होने के लिए 2 से 3 मिनट अपने फेस पर छोड़ दूँगी। नेक्स्ट मैंने मार्स के आई शेडो पैलेट में से एक पर्पल सेड लिया है एंड देन एक आई शेडो ब्रश से अपने ट्रांजिशन कलर के लिए इसे प्लेस्ड किया है आईलेट पे एंड इसे अच्छे से ब्लेंड भी कर लूँगी। एंड गाइस आज मैं इस लुक में कट क्रीज ड्रॉ कर रही हूँ एंड मैं ये पहली बार कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था कि मैं अच्छे से सही से कर भी रही हूँ कि नहीं। सो इसे कट क्रीज के लिए मैंने फिर से ओलिविया का मेकअप स्टिक लिया है एंड इसे अपने हाफ आईलेट पे स्मॉल ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी, अप्लाई कर लूँगी। देन इसे अप्लाई करने के बाद मैंने मार्स का शीम आई शेडो पैलेट लिया है एंड उसमें से मैंने बेबी पिंक कलर को लेकर एक ब्रश की हेल्प से बस इसे पैट कर लूँगी जहाँ पे मैंने क्रीज ड्रॉ किया है। गाइज ये जो मैंने मार्स का 27 आई शेडो पैलेट यूज़ किया है, मेरा शेड है 02 एंड इसमें आपको शिमरी और मैट दोनों शेड मिल जाएगा एंड इसमें शिमरी ओनली 3 शेड है, बाकी आपको मैट शेड मिल जाएगी एंड इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे कलर हैं लाइक ग्रीन, ऑरेंज, पर्पल, रेड, ब्लैक, तो आप एक बार से ज़रूर ट्राई करना एंड इसका रिव्यू मैं जल्दी अपलोड करूँगी अपने चैनल पर, तो आप देखना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट मैंने फिर से पर्पल सेड लिया है एंड दोनों आई शेडो को मैं कनेक्ट कर दूंगी ताकि कोई भी हार्स लाइन ना दिखे एंड इसे अच्छे से फिर से मैं ब्लेंड कर लूँगी। तो मैंने बेकिंग अच्छे से कर लिया है, अब जो भी एक्सेस मेरे फेस पे होगा उसे मैं एक पाउडर ब्रश की हेल्प से रिमूव कर लूँगी एंड ब्रश में जो भी प्रोडक्ट रिमेनिंग होगा उसे मैं अपने फेस पे अच्छे से लगा लूँगी एंड नेक पे भी अप्लाई कर लूँगी। एंड गाइस इससे करने से आपका मेकअप काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होगा एंड समर है तो लॉन्ग लास्टिंग रखना तो काफ़ी ज़रूरत भी है। नेक्स्ट मैंने HR का स्केच आईलाइनर लिया है एंड इससे मैं थिक विंग लाइनर ड्रॉ कर लूँगी। तो मैंने लाइनर अच्छे से ड्रॉ कर लिया है, अब मैं सेम पर्पल सेड को अपने लोअर वाटर लाइन पर स्मज कर लूँगी इस लुक के लिए। नेक्स्ट मैंने SFR का ब्लश लिया है एंड इसमें से मैंने एक पीची शेड लेकर अपने एप्पल ऑफ द चिक पे अप्लाई कर लूँगी ब्रश की हेल्प से। गाइस ये ब्लश काफ़ी ज़्यादा मैट है एंड अफोर्डेबल भी है, तो आप चाहे तो इसे लगा भी सकते हैं एंड अगर आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने मस्कारा के लिए टिंटिन का मस्कारा लिया है एंड इसे मैं अपने अपर लैसेस और लोअर लैसेस को कोट कर लूँगी एंड ये काफ़ी अच्छा मस्कारा है, वाटरप्रूफ मस्कारा है, तो एक बार आप इसे ट्राई ज़रूर करना। नेक्स्ट हाइलाइटर के लिए मैंने मेबेलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर लिया है एंड मेरा शेड है मोल्टन गोल्ड एंड इसे एक फैन ब्रश के हेल्प से अपने हाइएस्ट पॉइंट ऑफ चिक पे, नोज पे, चिन पे, ब्रॉ बोन के अराउंड एंड लिटिल बिट फोरहेड पे अप्लाई कर लूँगी एंड ये काफ़ी अच्छा हाइलाइटर है, इसमें बिल्कुल भी चंकी पार्टिकल्स नहीं है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसने कितना अच्छा ग्लो प्रोवाइड किया है मेरे फेस पर। देन मैं फिंगर की हेल्प से अपने इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट करूँगी
नेक्स्ट मैंने लिपस्टिक के लिए आई एम्स्टरडम का लिक्विड लिपस्टिक लिया है जो कि पिंक शेड है। उसके बाद मैं अपने मेकअप को सेट करने के लिए एडियस का मेकअप सेटिंग फिक्सर लिया है एंड इसे फेस पर अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी। सो गाइस, दिस इज़ माय फाइनल मेकअप लुक एंड आई होप आपको पसंद आएगा। और अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।